नमस्कार, मैं जयश्री वाघमारे, पीएचडी हिंदी यूट्यूब न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं मुख्य समाचार की ओर। राष्ट्रीय युवा समिति की बैठक 10 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण समिति की बैठक 11 से 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित। पचमढ़ी, गतपुरी और करसयांग में राष्ट्रीय साहसी कार्यक्रम शुरू किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। राजस्थान राज्य द्वारा संचालित गाइड विंग के सभी अनुभागों के बुनियादी पाठ्यक्रम। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जिले में 68वां रेलवे सेवा समारोह आयोजित किया। पूर्व मध्य रेलवे ने सोनपुर में साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। मेघालय के स्काउट्स और गाइड्स ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में ऑनलाइन भाग लिया। रंगिया जिला एसोसिएशन ऑफ NF रेलवे ने 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर में सेवा दी। NDRF ने सिक्किम के स्काउट और गाइड को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया। हरियाणा द्वारा गाइड कैप्टन के लिए हिमालय वुड बैच कोर्स संचालित किया गया। अब समाचार विस्तार पूर्वक। राष्ट्रीय युवा समिति की वर्चुअल बैठक 10 फरवरी 2024 को अध्यक्ष सुश्री रितिका शर्मा की अध्यक्षता में जूम के माध्यम से आयोजित की गई। राष्ट्रीय युवा समिति जीवंत युवाओं के लिए एक असाधारण मंच के रूप में कार्य करती है, जो स्काउट्स और गाइड आंदोलन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और इसकी नींव को मजबूत करने के लिए अपनी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह जुड़ाव न केवल उत्साह की भावनाओं को बढ़ावा देता है, बल्कि नेतृत्व कौशल भी विकसित करता है, निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है और युवा व्यक्तियों को उच्च स्तर की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए आवश्यक कौशल से प्रदान करता है। बैठक के दौरान कार्यक्रमों की अनुसूची, सोशल मीडिया को बढ़ावा देना, विभिन्न स्तरों पर युवा समिति की सक्रिय भागीदारी आदि जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रशिक्षण समिति की बैठक 11 से 13 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन श्री श्यामल कुमार विश्वास, मुख्य आयुक्त स्काउट्स जो की समिति के अध्यक्ष भी थे, द्वारा श्री मधुसूदन आवला, अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त स्काउट्स की गौरवशाली उपस्थिति में 11 फरवरी 2024 को किया गया। डॉक्टर राजकुमार कौशिक ने बैठक के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न विषयों पर मुख्य भाषण दिया। एजेंडे के अनुसार OIMS, BSG वर्दी प्रस्ताव, BSG का संचार और ब्रांडिंग, कार्यक्रमों की अनुसूची, विभिन्न पुरस्कार, नई शिक्षा नीति के अनुरूप युवा कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। 13 फरवरी को समापन समारोह में मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल ने अपने भाषण में सभी राज्यों के आयुक्तों को असेवित क्षेत्रों में स्काउट गाइड इकाइयां शुरू करने और संगठन में अधिक से अधिक सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। 2024 को पचमढ़ी स्थित राष्ट्रीय साहसिक संस्थान में शुरू हुआ, जिसमें NVS, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से 224 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्रीमती बिल्की शेख प्रभारी साहसिक कार्यक्रम अधिकारी इस कार्यक्रम की संचालिका थी। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडु के वासी प्रतिभागियों के साथ 10 से 14 फरवरी 2024 तक मनाली में एक और राष्ट्रीय युवा साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री अमन सिंह, कनिष्ठ प्रशिक्षक NYC गतपुरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रतिभागियों ने रॉक क्लाइंबिंग, पादा पार करना और अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया। 60वां राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम 12 फरवरी 2024 को कनिष्ठ प्रशिक्षक श्री विवेक कुमार दास के नेतृत्व में राष्ट्रीय साहसिक संस्थान करसयांग पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, जिसमें बिहार, पूर्व रेलवे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 10 सदस्य ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने निशानेबाजी, तीरंदाजी, रॉक क्लाइंबिंग, वादा पार करना और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया। BSG और यूनिसेफ के बीच एक संयुक्त पहल में टीमों ने जलवायु परिवर्तन पर एक साथ कार्य किया। श्री डेनिस लार्सन क्रिश्चियन, अनुभाग प्रमुख यूनिसेफ भारत, सुश्री तमारा अबू श्याम, सुश्री झिमली बरुआ और सुश्री मोनिका मौर्य, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ यूनिसेफ भारत ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में BSG के प्रोजेक्ट क्लाइमेट लीडर्स एक्शन प्लान CLAP का दौरा किया। पूर्वी क्षेत्र के सहायक निर्देशक बबलू गोस्वामी ने क्षेत्र दौरे का नेतृत्व किया। BSG MP के उपाध्यक्ष प्रकाश छेत्री, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अखिलेश पांडे,
डॉक्टर रमन सोलंकी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सुशील शर्मा विभाग अध्यक्ष और पत्रकारिता एवं जनसंचार प्रयोगशाला में प्रोफेसर अजय शर्मा यात्रा के दौरान उपस्थित थे। स्काउट गाइड ने अपने अनुभव साझा किए। आगंतुकों को परियोजना गतिविधियों को दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई और इस पल को यादगार बनाने की योजना बनाई गई। पश्चिम मध्य रेलवे और मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 60 सदस्य ने भाग लिया। अब जानते हैं राज्य समाचार। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के छत्तीसगढ़ जिले द्वारा राजनांद गांव में 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्काउट्स एवं गाइड्स को 14 फरवरी 2024 को सम्मानित किया गया। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ मुंगेली में 34वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए रंगोली, गीत एवं भाषण का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री राहुल देव कलेक्टर एवं श्री गिरिजा शंकर जयसवाल पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा गाइड कैप्टन, फ्लॉक लीडर्स और रेंजर लीडर्स के लिए बेसिक कोर्स 8 से 14 फरवरी 2024 तक जिला प्रशिक्षण केंद्र बगीची अलवर में आयोजित किए गए। इसमें 34 वयस्क लीडर्स ने भाग लिया। 9 फरवरी 2024 को राजकीय अंबेडकर बालक छात्रावास सीकर में द्वितीय स्काउट्स का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सीकर से 50 स्काउट्स ने भाग लिया। श्री बसंत कुमार लाटा सीओ स्काउट सीकर ने स्काउट गाइड आंदोलन के बारे में जानकारी प्रदान की तथा नवनिवेशित स्काउट्स को बधाई दी तथा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। स्काउट्स को विभिन्न गतिविधियों और कहानियों के माध्यम से यथासंभव जानकारी प्रदान की गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के 27 जिलों के 52 स्काउट्स एवं गाइड्स 20 से 26 फरवरी 2024 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली में राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेंगे। समस्तीपुर में 68वें रेल सेवा समारोह का आयोजन रेल मंडल मुख्यालय में किया गया। पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में बच्चों की उपलब्धियों को देखते हुए 108 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। DRM विनय श्रीवास्तव ने उनके प्रयासों की सराहना की और निरंतर समर्पण को प्रोत्साहित किया। स्काउटिंग में लीडर्स को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्काउट्स एवं गाइड्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी अतिथियों का मन मोह लिया। बरौनी रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह में पूर्व मध्य रेलवे के भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन गरारा में मुख्य जिला आयुक्त योगेश कुमार के नेतृत्व में कटरा के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन के शुभारंभ में सहायता की। 30 सदस्यों की एक टीम ने यात्री सहायता, भीड़ नियंत्रण और नाश्ते के वितरण सहित अन्य विभिन्न सेवाएं प्रदान की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामनाथ ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अपर मंडल रेल प्रबंधक भी उपस्थित थे। पूर्व मध्य रेलवे भारत स्काउट और गाइड जिला संघ सोनपुर की जिला आयुक्त गाइड श्रीमती कंचन लता ने सोनपुर स्थित स्काउट कुटीर में साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र का निरीक्षण किया और कैंप क्राफ्ट में बच्चों के प्रदर्शन का अवलोकन किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली इकाइयों की सराहना की गई और उन्होंने विजेता टीम का उत्साह वर्धन किया। श्रीमती लता ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम के लिए साप्ताहिक विजेता ध्वज की घोषणा की। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त स्काउट मुकेश कुमार सिंह सहित अन्य लीडर्स शामिल थे। 12 फरवरी 2024 को दानापुर में महिला कल्याण संगठन ने NC घोष इंस्टीट्यूट कम्युनिटी हॉल में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए। इस अवसर पर DRM मैडम सहित महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष ने महिलाओं को न केवल अपने स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वच्छता के प्रति भी प्रोत्साहित किया। ECRWWO DNR के सदस्य ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत स्काउट एवं गाइड पूर्व मध्य रेलवे दानापुर की गाइड अनुभाग ने अपनी सहभागिता से योगदान की। 6 फरवरी 2024 को कॉन्फ्रेंस हॉल DC कार्यालय जोवाई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ऑनलाइन लॉन्चिंग में 12 स्काउट्स और गाइड्स और 2 यूनिट लीडर्स ने भाग लिया। भारत स्काउट्स और गाइड्स NF रेलवे रंगिया जिला एसोसिएशन ने 9 फरवरी 2024 को मोरानजन रंगिया में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 93वें शंकर देव संघ अधिवेशन के संबंध में RNY चिकित्सा विभाग के साथ 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर में भाग लिया।
आठ आठ स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने सुबह और शाम को अपनी सेवा दी। मुलुक के सेकेंडरी स्कूल रेनॉक सिक्किम के स्काउट्स और गाइड्स को एनडीआरएफ टीम के मार्गदर्शन में 7 फरवरी 2024 को पट्टियों और तात्कालिक स्ट्रेचर के प्रकार सहित प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्तर का हिमालयन वुड बैच कोर्स सिक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरियाणा में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 24 गाइड कैप्टन ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों आयोजित की गई। इस अवसर पर रात्रि पदयात्रा एवं कैंप फायर का आयोजन किया गया। नए जारी परिपत्र 21 सी स्काउट गाइड मुख्यालय 23 नामांकन के लिए कॉल करें एशिया पैसिफिक लीडरशिप अवार्ड 2025 24 रिक्त पद प्रोजेक्ट मैनेजर एच हैंड वॉशिंग प्रोजेक्ट के लिए। आगामी कार्यक्रम और उत्सव राष्ट्रीय एकता शिविर का बुलबुल उत्सव एवं गोल्डन एरो अवार्ड रैली स्थान NYC गतपुरी हरियाणा दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024। राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम करसियांग पश्चिम बंगाल 19 से 23 फरवरी 2024। राष्ट्रीय युवा साहसी कार्यक्रम स्थान गोवा दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2024। 491वां राष्ट्रीय साहसी कार्यक्रम NIE पचमढ़ी 27 फरवरी से 4 मार्च 2024। रोवर्स के लिए STG पर 10वीं राष्ट्रीय स्तर की वकालत कार्यशाला रेंजर्स और युवा लीडर्स स्थान डोडा बल्लापुर कर्नाटक दिनांक 28 फरवरी से 3 मार्च 2024। राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम स्थान करसियांग पश्चिम बंगाल दिनांक 2 से 6 मार्च 2024। राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम स्थान करसियांग पश्चिम बंगाल दिनांक 12 से 16 मार्च 2024। ऐसे ही आगामी समाचार जानने के लिए जुड़े रहिए BHG हिंदी YouTube न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।